हेलो फ्रेंड्स, मैं शांतनु, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल टिकटॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के जमाने में 3 घंटा बिना पानी या बिना कुछ खाए हम तो रह सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है ये इंटरनेट कैसे काम करती है? इंटरनेट में कभी किसी को कम स्पीड मिलती है तो कभी किसी को ज्यादा स्पीड मिलती है। अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग दामों में इंटरनेट सेल करती है। इस इंटरनेट के एक्चुअल दाम कितना है और सबसे बड़ी बात, इस इंटरनेट का मालिक कौन है? तो आज मैं आपसे इसी बीच में चर्चा करूंगा कि कैसे ये इंटरनेट काम करती है और इस इंटरनेट का मालिक कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के थ्रू चलता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता है। 99% इंटरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू चलता है। अब आप बोलोगे कि मैं तो मोबाइल से इंटरनेट चलाता हूँ, तो मोबाइल पे कहाँ केबल लगी है? मोबाइल में कहीं भी केबल नहीं लगी है। आप जो मोबाइल यूज करते हैं उस मोबाइल टावर से, आपका मोबाइल जिस टावर से कनेक्ट है उस टावर से लेकर सड़क तक केबल लगी हुई है। अब ये सारी बातें आपके समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए मैं आपको ये सारी बातें पूरी डिटेल्स में समझाता हूँ। आप तक इंटरनेट आते आते उसे 3 अलग अलग कंपनी के थ्रू गुजरना पड़ता है। पहला जो है वो है Tier 1 कंपनी। तो ये वो कंपनी है जिन्होंने समुद्र के अंदर अंदर अपना फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दिया है। फाइबर ऑप्टिक केबल को सबमरीन केबल भी बोला जाता है। तो Tier 1 कंपनी ने सबमरीन केबल को होल्ड वार में सारी कंट्री के बीच में समुद्र के अंदर अंदर बिछा दिया है। तो इस सबमरीन केबल से सारी कंट्री टू कंट्री जो है वो कनेक्ट हो जाती है। अब कंट्री से आपको स्टेट में डिवाइड करना है और स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना है और सिटी से आप तक इंटरनेट को पहुंचाना है। तो Tier 1 कंपनी ने उन्होंने जो अपनी सबमरीन केबल के थ्रू सारी कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर देती है। अब बारी आ रही है Tier 2 कंपनी का। तो ये क्या करती है ना, Tier 2 कंपनी Tier 1 कंपनी से इंटरनेट खरीद के Tier 3 कंपनी को बेच देती है। तो Tier 1 कंपनी से Tier 2 इंटरनेट खरीदते हैं और Tier 2 कंपनी से Tier 3 कंपनी इंटरनेट खरीदते हैं और हमको हमको सेल कर देती है। तो ये Tier 1 कंपनी से Tier 2 खरीदते हैं, Tier 2 कंपनी से Tier 3 खरीदते हैं और Tier 3 से कंपनी के Tier 3 कंपनी से हमको ये इंटरनेट पर जीबी के हिसाब से सेल करती है। तो Tier 1 कंपनी ने तो इंटरनेट को सारी कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर देती है। जैसे कि हमारा इंडिया का सबसे पुराना Tier 1 कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन। अब तो रिलायंस जियो भी Tier 1 कंपनी से Tier 1 कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो Tier 2 कंपनी Tier 1 कंपनी से इंटरनेट खरीद कर स्टेट टू स्टेट डिवाइड करती है। जैसे कि हमारा इंडिया का लैंडिंग पॉइंट मुंबई है, कोची है। तो Tier 2 कंपनी मुंबई, कोचिन इन सब लैंडिंग पॉइंट से इंटरनेट खरीद कर सिटी टू सिटी डिवाइड करती है। अब Tier 3 कंपनी Tier 2 कंपनी से इंटरनेट खरीद कर हम तक पहुंचाता है। तो जैसे कि इंटरनेट को 3 अलग अलग कंपनी के थ्रू गुजरना पड़ता है, 3 अलग अलग थ्रू अलग अलग कंपनी के थ्रू इसे काम करना पड़ता है। तो जितने भी Tier 1 कंपनी है उसी को ही हम इंटरनेट का मालिक बोल सकते हैं। इंटरनेट तो पूरा फ्री है, लेकिन जैसे कि Tier 1 कंपनी ने अपनी सबमरीन केबल बिछाया है और उसका मेंटेनेंस भी करती है, तो उस मेंटेनेंस का और बीच में जो Tier 2 और Tier 3 कंपनी आती है उसके फायदे के हिसाब से हमसे इंटरनेट का दाम लिया जाती है। इसीलिए अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग दामों में इंटरनेट सेल करती है और जो ज्यादा स्पेशल देती है उसे ज्यादा स्पीड मिलती है और जो कम स्पेशल देती है उसे कम स्पीड मिलती है।